हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हेलो गिट सीरीज़ तो आज हम बात करेंगे गिट रीबेस कमांड की डिसएडवांटेजेस की ठीक है चले शुरू करते हैं तो यार गिट रीबेस जितना अच्छा है ना सुनने में कि सब कुछ एकदम लीनियर हो जाएगा और आपको आसानी होगी पढ़ने में उतना ही ये खतरनाक है ठीक है इट इज़ अ वेरी डेंजरस ठीक है इट इज़ अ वेरी डेंजरस कमांड क्यों यार ये देखिए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना आपके कंपनी या फिर आपका भी प्रोजेक्ट है ये उसकी वो है कमिट हिस्ट्री ये आपकी मेन ब्रांच है आपने क्या किया इसको क्या किया यार आपने इसको क्लोन कर लिया क्लोन करोगे कर तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको ये आपकी इसकी मेन ब्रांच है ठीक है अब आपकी जब आप क्लोन करते हो तो क्या बनता है एक रिमोट बनता है बाय डिफॉल्ट ओरिजिन होता है किसका तो आपके मेन का बनेगा और एक आपकी लोकल ब्रांच होगी मेन से ठीक है आपने कुछ कमिट्स करे चेंजेस करे तो ये आगे यहाँ पर आ गई ठीक है अब क्या हुआ आप तो यहाँ पर अपनी जो क्लोन करे काम कर रहे हो कर रहे हो लेकिन किसी ने मेन ब्रांच में ना कुछ चेंजेस कर दिए वो चेंजेस देखो ऐसा कुछ कर दिया ओके okay, इसको नीचे कर लेते हैं ये चेंजेस इसको हम आइट्रेशन फर्स्ट मान लेते हैं ये सेकंड आइट्रेशन अब क्या हुआ कि किसी ने ना क्या चेंजेस करे जैसे आपका ये फर्स्ट है ये चला ठीक है किसी ने ना इसके अंदर से ना ब्रांच निकाल दिया यार ब्रांच निकाल के कमिट किया और क्या किया उसको मर्ज कर दिया ठीक है थ्री हो चुका था तो इसको फाइव ले लेते हैं जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑल राइट सो वी टेक द साइड ऑफ एस फाइव सो अब ये आपकी क्या हो गई है मेन हो गई है कोई दिक्कत नहीं है अभी आप अपना चेंजेस करो तो आपने क्या किया पुल पुल कर लिया तो आपका देखो ऐसा दिखेगा वन टू ठीक है फिर आपका ये जो होगा ना एक थ्री ऐसे आ जाएगा और क्या कहते हैं इसको फाइव मान लेते हैं फाइव हो गया ये ये आपका फोर हो गया और ये सिक्स आ गया और टू के साथ एक ऐसे थ्री हो निकल ठीक है ये आपकी जो आप पुल लोगे, तो आपकी जो है ब्रांच ऐसी ऐसी दिखेगी ठीक है इतना सब सही है इतना सब सही है अनटेल unless वो जो बंदा है ना उसने क्या किया उसको कुछ चढ़ा उसने सोचा इसको ना रीबेस कर देते हैं ऐसे मुश्किल क्यों करना तो ये रिबेस होकर क्या बन जाएगा ये देखो वन टू अब फाइव और फोर है ठीक है वो क्या कहते हैं मर्ज होके सिक्स कमिट बना था ठीक है तो हमें सिक्स की बेसिकली जरूरत है नहीं तो क्या होगा आपका ये फोर और आगे क्या होगा यार फाइव डैश बन जाएगा ठीक है फाइव कॉपी होके कमिट किसके पीछे लग गया फोर के पीछे लग गया ठीक तो है तो ये आपकी रीबेस है अब ये सही है ठीक है उसने ऐसे कर दिया आप ना काम कर रहे हो आपको थोड़ा ना मालूम है कि क्या हुआ तो आप अपना एज़ यूजल कुछ चेंजेस करके आपने क्या लिया पुल लिया ठीक है तो अरे ये पुल ना कुछ ऐसे देखेंगे ये देखो पुल दिख लगने के होने के बाद ना तो ऐसा देखेगा ये हमारे वन आ गया ये टू आ गया ये फोर आ गया ठीक है और ये आ गया आप अरे इसको ऐसे लगते दो तो मिनट दो तो मिनट सॉरी ठीक है ये आपका फाइव uh, आ गया और ये आपके सिक्स को पॉइंट कर रहा है टू आ गया ये फोर को ठीक है फोर के साथ सिक्स है और फोर के साथ एक और आ जाएगा फाइव डैश ठीक है और वो हमारे टू के साथ जो चल रहा है थ्री वो तो रहेगा ही ठीक है तो क्या होगा यार जो आपका ये फाइव है और ये फाइव डैश है ना ये ना क्या है ये कॉपी ही तो है तो इसका क्या होगा ऑथर सेम होगा इसका डेट टाइम सेम होगा इसके अंदर के कंटेंट्स भी सेम होंगे ठीक है जो आप गिट लॉक करोगे ना सो विल फाइंड टू कमिट्स दैट मैच नॉट देर आई डीज उनकी आई डीज मैच नहीं करेंगे फॉर शॉप sure, क्योंकि क्या होगा आ, जो आई डीज होती है आई डीज यूनिक बनती है ठीक है और आई डीज अलग तरीके से बनती है तो आई डीज आपकी सेम आई डीज छोड़ के बाकी सब सेम होगा ऐसा सारा मेटर डेटा सेम होगा ऐसा कंटेंट सेम होगा तो क्या होगा अब आप गिट लॉक करोगे आपके दो दो कमट्स ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल आइडेंटिकली सेम है तो क्या होगा यार वो कन्फ्यूजिंग होगा और अभी ये एक छोटी स्टेट में बताया मैंने आपको फॉर एक्जाम्पल बहुत सारे डेवलपर्स हैं सब कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है कुछ काम कर रहे हैं लोग उसको रीबेस कर करके पुश कर जा रहे हैं तो क्या होगा कन्फ्यूजन की जो चेन है ना बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और आखिरी में इतनी हो जाएगी कि यू वन बी एबल टू डी इट राइट सो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू रीबेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो यार ना एक ना गोल्डन रूल है गोल्डन रूल है गोल्डन रूल ये है कि आपको रीबेस कब करना है रीबेस सीखना मुश्किल नहीं है आसान है लेकिन रीबेस आप तब तभी सीखते हो जब आपको मालूम हो कि आपको रीबेस कब नहीं करना ठीक है तो इसका क्या मतलब इसका ये है कि इस गोल्डन रूल की बात करते हैं गोल्डन रूल ये है रीबेसिंग का आप रीबेस तभी करिए जब कोई उस ब्रांच को देख ना रहा हो देखना रहा हो मतलब आप अकेले ही डेवलपमेंट कर रहे हो ठीक है कोई और उस ब्रांच को क्लोन करके या फिर उस उस ब्रांच को क्लोन करके अपना काम ना कर रहा हो कुछ और फिर वापस से आपको वो ना दे रहा हो पुश ना दे रहा हो ठीक है आपको आप उसने जो तो चेंजेस करे कोड पे वो आपको वापस से पुश ना कर रहा हो और आपको इनकॉर्पोरेट ना करने पड़ रहे हो ठीक है तो ये कि गोल्डन रूल है कि हमें गेट रिबेस कब यूज़ करना है जब आप अकेले डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई उस ब्रांच पर अभी उसको कुछ काम ना कर रहा हो ठीक है कोई देखना रहो बेसिकली बहुत प्रिसाइज वर्ड है ये कोई देखना गया मतलब कि किसी और ने उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी और ने उसको क्लोन करके उस पर काम ना कर रहा हो आपने डेवलप आपने आ, अपनी जो आ, कोड है उसको रिवेस किया वापस से पुश कर दिया फिर चाहे उसके बाद किसी ने उसको क्लोन करके काम कर दिया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस समय ना कर रखा हो कि आपने उसको क्लोन किया आपने उसको रिवेस करो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समवन एल्स क्लोन योर ब्रांच एंड दे आर डूइंग सम वर्क ठीक है सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस ठीक है तो ये गोल्डन रूल है तभी इसको ध्यान रखना और एक और बात कर लेते हैं कि लोग पूछते हैं कि यार क्या यूज़ करें मर्ज यूज़ करें या रीबेस यूज़ करें तो मर्ज वर्सेस रीबेस मैं आपको दोनों की कुछ कुछ बातें बताता हूँ और फिर आर्ग्यूमेंट्स है कम्युनिटी आर्ग्यूमेंट है वो बोलते हैं ठीक है तो उसकी कुछ बातें बताता हूँ तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा यूज़ करेंगे और कब यूज़ करना है ठीक है तो मर्ज क्लियर ये होता है कि जब हम कोई कमिट कर रहे हैं तो वो कमिट सेव होता है वो एक हिस्ट्री की तरफ बन के चले जाता है तो हमें कभी भी हिस्ट्री से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए है। ठीक है सो so, जो लोग ज़्यादा मर्ज के फेवर में होते हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम हिस्ट्री से क्यों छेड़छाड़ करें अगर हमने कोई चीज़ कमिट करी है तो वो उसका राइट right है कि उसके को साथ कोई छेड़छाड़ ना करे और वो एज इट इज़ प्रिजर्व होके अपना सेव हो जाए ठीक है वाई डू वी नीड टू ब्रिंग इट अप चेंज एंड री राइट एंड देन सेंड इट बैक अगेन ठीक है तो मर्ज में कुछ लोग ये कहते हैं तो रीबेस के बारे में क्या लोग बोलते हैं रीबेस में ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि मैं आपके लिए जैसे ही वीडियो बना रहा हूँ वीडियो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बारी में एक कट में आपके लिए वीडियो बन जाती है मैं कुछ आइट्रेशंस करता हूँ कुछ मुझे अलग थॉट आता है फिर मैं उसको सबको कंपाइल करके फिर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ ऑल राइट सो रीबेस के लिए भी लोग यही बोलते हैं कि आप अपने में जितने भी मिस्टेक्स करते रहो लेकिन फिर जब फाइनल प्रोडक्ट वर्ल्ड को दिखा दो तो आप एक कोहेरेंट स्टोरी से बताना चाहते हो ना कि दिस वॉज द पॉइंट ए एंड मुझे ये पॉइंट बी पे जाना था तो मैं ऐसे ही गया हूँ आप ये थोड़ा बताओगे कि मैं ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे ऐसे जाके फिर मैं बी पे पहुँचाऊँ तो किसी को दिखाने के लिए ए टू बी पहुँचने के लिए ज़्यादा सामने वाले को भी क्या समझ आएगा एकदम लीनियर पाथ समझ आएगा ना ज़्यादा रादर देन नॉन लीनियर पाथ तो रिबेस और मर्ज की यार ये या आर्ग्यूमेंट रहती है सो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करें तो यार मेरे से पूछो कि यार क्या चीज़ बेटर है तो यार मैं बोलूँगा कि जैसे अगर आप रीबेस करना चाहते हो तो आप रीबेस तभी करिए कि आपने कोई काम किया उसको कंप्लीट है डन काम है तो आपको आप उसको तब रीबेस करिए और फिर उसको पुश कर दीजिए ठीक है लेकिन कभी भी आपने कोई भी काम जो पुश किया हुआ है ना उसको कभी भी रिवेस मत कीजिए ठीक है कभी भी उसको रिवेस मत किया करो और कोई काम आपने कहीं पुश कर रखा है तो उसको रिवेस कभी नहीं करना ठीक है अगर इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्स अगर आपको लगता है कि मतलब यू आर इंटरेस्टेड यू वांट टू आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए तो आप कर सकते हो लेकिन देन देर आर लॉट ऑफ वेस्ट टू गेट गेट दैट बैक और कैसे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट तो आप वो uh, देख लेना लेकिन अगर सेफ साइड में चलना है तो रीबेस तभी करिए जब आपने कुछ काम वो पुश ना कर रखा हो ठीक है सो दैट्स इट दैट्स इट फ्रॉम माई साइड या अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में